सो गाइस ये मैंने चेयर मंगवाई है, ड्रोगो करके कंपनी है ये। इसके रिव्यूज मेरे को मिले ही नहीं है। गेमिंग चेयर का रिव्यूज था, ये एग्जीक्यूटिव टाइप में चेयर है। तो इसका अगर आप वेट देखोगे तो काफी हैवी है ये। अगर मैं इसे उठाऊं तो ये देख सकते हो मेरे ख्याल से 7 किलो होगा कम से कम वेट इसका। और इसका नाम है नाम तो नहीं है, तो एर्गोनॉमिक चेयर करके जो कैटेगरी है उसमें है ये। थोड़े कलरफुल में मिलती है, तो ये मेरे को ऑलमोस्ट आई थिंक 11,000 रुपीज़ की पड़ी है। बाकी अनबॉक्स कर कर मैं फिर बनाता हूँ। तो गाइस ये देख ही लेते हैं हाथ के हाथ ही इसमें क्या क्या आइटम आया हुआ है। ये मैंने टील टू करके कलर है उनका, इसमें ब्लू है, पिंक है और टील कलर है। टील कलर थोड़ा ब्लू में मेरे ख्याल से ब्लैक मिक्स होता है। तो इसमें एक तो ये आया है, इसके पार्ट्स इस तरह से लगाने हैं। तो ये ठीक है, आगे है तो अच्छी बात है। और इसमें जो आइटम है ये काफ़ी सॉलिड लग रहा है, ओह कुशनिंग भी अच्छी है। तो ये इसके साइड हैंडल है। तो मेन रीज़न जो था इसको लेने का वो यही था कि मेरे को एक ऐसी चेयर चाहिए थी जिसके हैंडल ऊपर हो जाए, मतलब बिल्कुल ही आर्म रेस्ट लेस बन जाए चेयर। तो इसमें यही एक ऑप्शन था। एक आधे और थे बट ये ज़्यादा सुंदर लग रही थी। दो आर्म रेस्ट आ गए हमारे इसमें, बच्चों को रख देते हैं, हिम्मत भी नहीं होती। ओके ये अभी इसकी सीट, ये इसकी सीट लग रही है, बेसी हो गया ये। बस आई होप कि सब कुछ इसमें आ जाए। अच्छा मेरा मुंह दिख नहीं रहा है, ओके इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक जो दूसरा रीजन था ये है कि नेक रेस्ट होना चाहिए, तो ये भी है इसमें। बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी सॉलिड लग रही है, इसको उठाने से पता चल रहा है। ये गैस स्प्रिंग है इसके, मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है। देखते हैं कैसा रहेगा इसको लगाना। ये फर्स्ट टाइम मैं चेयर ली है ऑनलाइन, इतना खास आइडिया नहीं है। और ये इसमें तो बैक सपोर्ट होगा, ठीक है। और ये इसका सॉलिड है, ये मेटल ही है वैसे तो। हाँ मेटल ही है, तो प्लास्टिक प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, मेटल नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं, वैसे टूट तो जाती है, मैंने तोड़ रखी है चीज़ टूटने के तो हैं चांसेस। बाकी और क्या है इसमें, गत्ते हैं, ये इसका आ गया जो आपका उसको ऊपर नीचे करता है, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। और ये इसके व्हील्स आए हैं, व्हील्स प्लास्टिक के, ये वैसे प्लास्टिक के ही व्हील्स आते हैं, पता नहीं क्यों, मेटल के बनाने चाहिए इन लोगों को। 1 2 3 4 5 आए हैं, 5 हैं और ओ बेटे, सो दिस इज़ गुड। तो इन्होंने देखो किस तरह से ये पूरा आइटम डाला हुआ है। तो ये मैंने पहली बार देखा, मतलब मैंने काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे वो माउंट खरीदा था मैंने मॉनिटर का, बट उसमें भी इस तरह से कभी नहीं मैंने देखा कि दिया हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी है मेरे को। इससे पता चलता है कि थोड़े प्रोफेशनल हैं लोग, छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे। और इसमें अब कुछ नहीं रहा, अब मैं वीडियो थोड़ी देर पॉज करूँगा, थोड़ी देर सैम्पलिंग करेंगे, थोड़ी बीच बीच में दिखाता रहूँगा पार्ट्स कैसे हैं। तो गाइस इस अगर इस पर्चे के हिसाब से देखें तो
ये पहला हमारा है कि हमें जो बेस है हमारा उसमें हमें टायर लगाने हैं, तो मैंने काफ़ी टायर लगा दिए हैं। अब इसको देख लेते हैं मैं टायर कैसे लग रहे हैं इसमें। तो जैसे कि ये है, मैंने टायर लगा चुका हूँ। इसमें देखो एक मैकेनिज्म है कि इसमें आपको कुछ स्क्रू नहीं टाइट करना, तो आपको क्या करना है कि इसमें सीधा ये पुश हो जाएगा। थोड़ी सी लाइट जलानी पड़ेगी क्या? ओके, तो ये आपका, ये देखो अगर आप अंदर तक देखोगे इसको, तो ये इस टाइप का मैकेनिज्म कम ही आता है, मोस्टली स्क्रू बेस होते हैं। बट जब मैंने इसको अंदर इसको अटैच किया तो ये मोशन काफ़ी स्मूथ लगा मेरे को, तो शायद इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे से करी हुई है। ये देखो कितने आराम से चला गया अंदर। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब ये पूरे 5 टायर लग गए हैं, कोई स्पेयर टायर नहीं आया। अब दूसरा है इसमें कि हमें वो जो हाइड्रोलिक आया है वो इसके ऊपर रखना है, तो वो रख देते हैं। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ये आपको नहीं दिख रहा है, तो हम दिखा देते हैं इसको। तो ये है, इसको क्या करना है आपको, देखो बिल्कुल सब कुछ इजीली असेंबल होता है, इसको बस रखना है आपको और कुछ नहीं होगा इसमें। अरे देखो यहाँ पे जाकर रुक जाएगा ये, तो ये ऐसे रुक गया है और काफ़ी सिक्योर है क्योंकि ग्रेविटी से काम करता है, तो ये ऐसा नहीं उछलकर भाग जाएगा। तो ये काम हो गया हमारा। अब थर्ड स्टेप है हमारा, मतलब सेकंड स्टेप ही हुआ, कि ये क्या कह रहा है कि बेस लो, मतलब जो पीछे का है उस पे ये हैंडल हमें, मिस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें ए पे सी लगाना है और वो स्क्रू से लगेगा। स्क्रू में एच और एल वाले हमारे बोल्ट यूज होंगे, बोल्ट। तो हमारे पास एच ये है एक और एल, एल ये है। अच्छा ये शायद वार्सल्स होंगे, तो देख लेते हैं उसको कैसे होगा। तो गाइस इसमें ये वाले बोल्ट लगने और दूसरा जो है वो सिर्फ कैप है उनको छुपाने के लिए, तो वो इतना कुछ फर्क नहीं, मुझे लगा वार्सल हैं पर वार्सल की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो बस कैप है तो लग जाएगी। तो उसकी टेक्निक क्या लगी, क्योंकि अगर आपको लगाना है तो आप ऐसे किसी ऊंची जगह पर रख लेना, और आपको करना क्या है कि ये जो है ना ये पहले ऐसे लगेगा, ये पेच पहले टाई कर लेना और उसको इसी पोजिशन पर रखना, वरना अगर आप ऐसे लगाने की कोशिश करोगे तो ये बाहर निकलता रहता है और नीचे करोगे तो ये इधर उधर घूमेगा। तो इसको इसे ऐसे टेढ़ा कर कर और फिर आप इसको कसोगे तो दूसरा अपने आप चला जाएगा और ये इस तरह से मूव करता है। ये एक रीज़न था मेरा लेने का। तो बस इसको अब यहाँ पे अलाइन कर देंगे। इधर होने की वजह से ये काफ़ी आराम से घूम जाएगा। आपको दिख रहा होगा पता नहीं, पर इस तरह से दिखा देते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लोगे तो ये भी नहीं गिरेगा, ये भी घुस नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है कि टाइट में होता तो थोड़ा मूड खराब होने लग जाता है यार, कि अब वापस ना करना पड़े, क्योंकि वापस करना भी एक बहुत बड़ी आफत होती है। अब इसको टाइट कर दो जितना हो जाए। वैसे तो काफ़ी बिल्कुल नए हैं ये, और मज़े की बात ये है कि ये इसी तरह से जाएंगे, उसके अलावा आप कर नहीं सकते। तो आपका सेकेंड स्टेप में इस तरह से चेयर आपकी रेडी हो जाएगी, और सामने से देखोगे तो पूरा तो नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, और ये काफ़ी हैवी है। थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ मैं,
गाइस काफ़ी हैवी है और ये हमारी आधी चेयर तैयार हो गई है। बाकी जो आपको कसना होता है बाद में भी कसे जा सकते हैं। अभी एक तैयार हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि ये जो बेस है इसके बेस में क्या लगेगा, जे और बी। तो डेफिनेटली जैसे अब ये देखो कि ये ए तो हमारा इधर हो गया, अब ये बेस ही है। अब बेस में हमारे पास कुछ और भी आइटम होना चाहिए जो लगने वाला होगा, तो उसमें ये कह रहा है कि ये पेच लगा दो। तो ये देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो गाइस जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें आपको क्या करना है कि इसमें मैंने मेंशन नहीं करा इस तरह से कि ये वाला जो स्टेप है ये एक्चुअली ए और बी वाले को जोड़ने का है। तो जो हमने उससे पहले बनाया था उसके बाद बेस को इससे जोड़ना है। तो बेस को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसी तरह से ही इसको रख लेना। ये मैंने इस तरह से रखी हुई है, ये थोड़ी दूर से दिखा दूँ अगर मैं, तो इस तरह से रखी जाएगी ये, इस तरह से आपकी चेयर हो गई। अब इसमें एक जो चीज़ देखने वाली है वो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसमें देखो गैप है, ये जो पेच है तो इसको थोड़ा सा ढीला रखना। क्योंकि होता क्या है कि जब आप ये वाला कसने लगोगे ना, तो अगर मान लो यहाँ पे आपने ऊपर ज़्यादा उसको खींच दिया अंदर की तरफ, तो यहाँ पे गैप कम रह जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, काफ़ी सोच समझ कर बनाया हुआ ये। तो उसको थोड़ा सा ढीला रखोगे तो यहाँ पे जब टाइट हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डाल देना, और कोशिश करना पहले यही लगाना। तो इससे क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है, ये करोगे तो ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो अब उसी की तरह अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये ज़्यादा टाइट कर दिया है, आप देखोगे कि यहाँ पे गैप आ रहा है, तो अब मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो थोड़ा सा कम स्पेस रह गया है, क्योंकि वार्सल भी लगेगा तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, ताकि ये नॉर्मल सा हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा जूम आउट, ये क्या खुल गया, अच्छा आई डोंट नो कि अब इसमें पेच लगाने की कोशिश करते हैं। पेच कहाँ गया है, ये रहा। और ये गिर गए हैं पेच। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग काम हो ही जाता है, पर क्या करें, इसको लगाना पड़ेगा हमें, इसको थोड़ा सा और ढीला करना पड़ेगा। इसको यहाँ से होल्ड कर लो, थोड़ा सा और ढीला कर लो, और यहाँ से इसको टाइट करना शुरू करो। देखो ये आराम से जा रहा है, इसको टाइट कर लेंगे हम, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो काफ़ी सिक्योर ही रहा है सब कुछ, ये मैंने टाइट कर लिए हैं, इधर का भी रह गया। अब ये टाइट हो गए हैं अच्छे से, एक बार और देख लो, नहीं हो रहा, और ज़्यादा हाथापाई नहीं करनी है,
क्योंकि बाद में कहीं ये फ्री भी हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। तो अभी ऑलमोस्ट आधी हमारी चेयर तैयार हो गई है। हमारा पर्चा ये रहा। अब जो रह गया है पार्ट वह है जो हाइड्रोलिक्स कंट्रोलर होता है उसको लगाना रह गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें के वाले निकाल कर और इसको यहाँ पे ऐड कर दो। वार्सल के साथ ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस ही लग रहा है मेरे को। और उसके बाद फिर वो नेक वाला काम हो जाएगा, उसके बाद लगा दें। ठीक है, बस ये मैंने लगा दिया है। अब इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि आपको ये लगाना कैसे है। अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, आपको लगेगा ये शायद हाथ में आएगा, पर ये इसी तरह से लगना है। और आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे इसमें देखा हुआ है जिस भी पोजिशन में आपकी चेहरा आप वैसे रख देना। और यहाँ पे देखो ये चार होल हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नीचे वाले में नहीं है। और एक चीज़ और है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें देखो फ्रंट लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें फ्रंट साफ साफ लिखा हुआ है। तो फ्रंट मतलब जो सामने की तरफ है, बैक नहीं होगी इधर, उसको लगा देगी। और सिमिलरली ये वाले पेज ढीले रख लेना ताकि नीचे वाले आराम से आ जाए। अब ये इसको आराम से ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, और अब इसको कर देंगे टाइट। तो एक चीज़ और है कि इसी से ही सब कुछ हो रहा है। कई बार होता है कि ये दूसरे पेज भी दे देते हैं, पर इसमें काफ़ी ध्यान रखा हुआ है इन्होंने। लास्ट टाइम मैं चेयर बहुत साल पहले ली थी मैंने, ऑलमोस्ट 2010 की बात होगी या 2009 की बात होगी शायद से, जब नेक सपोर्ट का इतना चलन नहीं था और ना ही शायद इतनी हमारी यूसेज थी रोज यूज़ करने की, पर अब अपग्रेड करनी ज़रूरी हो गई थी। और इसका जो क्वालिटी है, बोल्ट क्वालिटी और मटेरियल क्वालिटी, मेरे ख्याल से अभी तक की मैंने बहुत बेस्ट चेयर्स में देखी है। इवन जो एग्जीक्यूटिव चेयर होती हैं 15-20 हज़ार वाली, हमारे डायरेक्टर के पास थी, इसकी भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी चेयर में। तो ये हो गया है टाइट। अब ये कह रहा है कि अब इसका नेक सपोर्ट लगा दीजिए और चेयर को उसके ऊपर बिठा दीजिए। अब थोड़ा आसान काम रह गया है, चलो हम नेक लगा देते हैं। तो गाइस ये इसमें लगा दिया है, सिर्फ पेच ही लगने थे। और इसमें एक वो भी होगा, अब इसमें एक जो चीज़ है जो मेरे को पता नहीं, शायद मैंने और चेयर्स में देखी थी कि आप इसको पीछे तक कर सकते हो जैसे बिल्कुल ऐसे, पर इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। पर इसमें ये क्या है कि आप इसको ऊपर कर सकते हो, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था, तो इसलिए ऐसे ऊपर हो सकती है। तो ये चीज़ है एक। अब बाकी लास्ट पार्ट है कि हमारा जो है कि चेयर को उसके ऊपर रखने का, इसको घुमा लेते हैं उधर। और मेरे ख्याल से वाइड एंगल चूज नहीं हो पाएगा शायद, तो अब चेयर को रखेंगे इसके ऊपर।
एक बार मैनुअल थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारे। आई थिंक वी आर डन विद दिस। सभी कुछ लगा लिया है, जो पार्ट आपके बचे हैं वो सिर्फ स्पेयर्स वाले हैं, सिर्फ स्पेयर्स बचे हैं, बाकी सब हमने लगा दिए हैं। मेरे ख्याल से तो ठीक है, अब इधर तो नहीं बैठ। एक चीज़ रह गई है जो है कि इसके पॉइंट लगाने थे हमें। एक और होगा वाइट, इसको भी लॉक कर देते हैं। चेयर तो मस्त लग रही है, जैसे इसमें आसानी से घुस रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है यहाँ पे पेच भी लगे हुए हैं। ठीक है, इतना ही फायदा है। चलो गाइस इसको उधर लेकर चलते हैं, व्हील विल चेक कर लेते हैं इसकी। ये हम बैठ गए हैं, नंबर सपोर्ट देख लेना क्या है। तो दो ही मेन यूज के लिए मैंने मंगवाई की है, एक तो जो बैक सपोर्ट है इसके लिए जो कि काफी सही लग रहा है। अच्छा बैठे बैठे भी हो रहा है। अच्छा तो इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है और जैसे ही मैं इसको नीचे करता हूँ तो इसमें इतना कुछ नहीं पता चल रहा, पर ठीक है। इसके व्हील बहुत स्मूथ है, मतलब ऐसे व्हील तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ओए होए दैट इज वेरी स्मूथ। और बाकी अच्छा मेरे को इतना कुछ मज़ा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या है कि जैसे नीचे है वो शायद जिनकी कम हाइट है, जैसे जिनके शोल्डर नीचे होंगे तो उनके लिए होगा। जैसे मेरे शोल्डर ऑलमोस्ट इधर आ रहे हैं तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ऊपर करने के लिए दे दिया। मोस्टली एर्गोनॉमिक चेयर्स में क्या है कि आपको यहाँ पे ये खींचने को नहीं मिलेगा, ये पूरा ऐसे बेस के साइड की उठनी चाहिए। बाकी पहले हाइड्रोलिक चेक कर लेते हैं, इतनी जाती है। ओके ओ तो आप देखो मेरे पैर भी उठ गए हैं ऑलमोस्ट। मेरी हाइट 5'10" होगी, तो अगर पूरे हाइड्रोलिक चल रहे होंगे मतलब पूरा जब तक ऊपर है तो मेरे भी पैर उठ गए हैं। तो मेरे ख्याल से 6 फुट लोगों के लिए भी ये सही है चेयर। और इसको नीचे कर लेता है तो यहाँ पे ठीक है, ये सबसे नीचे है। ठीक है, अब एक जो चीज़ है कि ये इजी कितनी है इसका। ये मेरी ओल्ड चेयर जैसा ही है हिसाब, इसमें इसमें आप इसको लॉक नहीं कर सकते हो। मेरे को लगा था शायद लॉक कर सकते हो पर वो तो है नहीं इसमें। और ये पीछे
तो वही है गाइस कि आपको सपोर्ट चाहिए कुछ, अभी ये पीछे जाएगी। वैसे तो इसमें एक और जुगाड़ होता है इजीनेस कम करने का, जिसका व्हील है। अब जैसे ये बाय डिफॉल्ट इतनी रह गई है, इसको और करना हो आपको ये बिल्कुल ढीला हो गया। अब ये देखिए ये ऐसे हो गई है। तो अगर आपको इजी रखनी है चेयर तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसको आप इजी करके छोड़ दो और जैसे आप काम करते हो तो इसको यहाँ से लॉक कर दो, तो ये पीछे नहीं जाएगी। ये मोस्टली एग्जीक्यूटिव चेयर में ये ऑप्शन होते हैं। और जब आप इसको इजी में हटा दोगे, मैं क्या कर रहा हूँ ये जो लॉक है इसको मैं ऐसे ऐसे हटा देता हूँ, तो अब ये इजी हो गई है। ये रॉकिंग चेयर जैसे आपको फील देगी, इसमें थोड़ी नीचे नहीं जा रही है और इसकी इजीनेस कम कर सकते हो आप इधर से। ये आपने टाइट कर दिया, अभी कम हो गई है। बाकी थोड़े दिन यूज करता हूँ उसके बाद डालूंगा इस वीडियो को। तो और एक जो चीज मेरे को बहुत मन था लेने का, यही कि जैसे कई बार होता है कि आपके पैर थक जाते हैं, जैसे अगर आपने फ्लाइट भी कभी लियो लंबी तो आपके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये इस तरह से आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो आराम से। तो ये चीज़ जिनमें वो ऑप्शन होता है उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। अब यहाँ पे आपके आर्म्स भी फ्री हैं, अगर आपको एक रखना हो तो एक आप रख सकते हो और एक फ्री हो जाता है। और इसका स्पेस भी काफ़ी सही है, देखो ये पूरा सब कुछ आपका ढंग से आ गया है इसमें। और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये दोनों भी आ सकते हैं। ये देखो, तो इस चीज के लिए मैंने ली थी। बाकी मैं बीच बीच में इसमें क्लिपिंग ऐड करता रहूंगा जैसे जैसे मेरे को यूज केस पता चलेगा। बस एक जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे को दो लगी वैसे, तो एक तो ये इससे रिलेटेड, क्योंकि मेरे को लगा कि शायद ये पूरा पीछे तक जाएगा, ये नहीं गया। अब क्योंकि बहुत सारी चेयर देख रही थी मेरे को याद नहीं है कि क्या है। और एक जो इजीनेस है वो गेमिंग चेयर में जैसी रहती है कि पीछे रखकर आप छोड़ सकते हो, तो वो चीज़ भी इसमें नहीं है। बाकी ये चीज़ चाहिए थी, ये तो एकदम परफेक्ट आ गई है और सपोर्ट भी है तो ठीक है, काम चल जाएगा।